प्यारे बच्चों, आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें जो उपकरण रखे हुए हैं उनकी मदद से कई तरह की रचनाएं की जा सकती हैं और बहुत मज़े के साथ की जा सकती हैं, आसानी से की जा सकती हैं। यह आपने देखा होगा, महसूस किया होगा। आपने कई सारी रचनाएं की भी होंगी जब आप अपने स्कूल में पिछली कक्षाओं में थे तब भी, और अभी इस कक्षा में भी आपने किया होगा। अभी हम आपको दो ऐसी रचनाओं के बारे में बताते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं और वो रचनाएं बहुत आसानी से होती हैं। एक रचना है, अगर कोई एक रेखा दी हुई है, उस रेखा के किसी बिंदु पर हमको लंब खड़ा करना है, लंब खींचना है उस पर, तो हम कैसे करेंगे। और दूसरी जो रचना है वो ये है कि अगर एक रेखा हमें दी हुई है और रेखा के बाहर उस समतल पर एक बिंदु दिया हुआ है, उस बाहर दिए हुए बिंदु से रेखा पर लंब डालना है तो वो कैसे होगा। दो चीज़ें हैं, रेखा पर एक बिंदु है उस पर लंब खड़ा करना, और रेखा के बाहर एक बिंदु है उस बिंदु से रेखा पर लंब डालना। तो आप देखिए, दोनों चीज़ों को आपने यहाँ पर उदाहरण 6 और 7 में अपने किताबों में पढ़ा होगा, उसको हम यहाँ पर करते हैं। तो जो हमें करना है उसके पहले, सबसे पहले हमें एक रेखा चाहिए होगी, वो हम एक रेखा बनाएं। ये हमने रेखा बना ली और मान लीजिए इस रेखा का नाम है के। चूँकि रेखा है तो आप दोनों तरफ तीर के निशान से प्रदर्शित करिए, तो रेखा के आपको मिलेगी। इस के पर यहाँ कोई बिंदु है, मान लीजिए इस बिंदु का नाम है सी। अब आपको सी पर एक लंब खड़ा करना है, तो सी पर लंब खड़ा करना है तो क्या करना होगा। हम प्रकार की मदद से काम करेंगे, चांदे से भी आप ये काम कर सकते हैं, सेट स्क्वायर से भी काम कर सकते हैं, लेकिन प्रकार की मदद से कैसे करेंगे ये आप देखिए। यहाँ पर हम एक चाप काटते हैं और इसे लंबाई के चाप दूसरी तरफ काटते हैं। माने इस रेखा पर हमने दो बिंदु ऐसे लिए जो बिंदु सी से बराबर दूरी पर हैं। मान लीजिए आपने इसको नाम दिया बिंदु एक्स और इसको नाम दिया बिंदु वाई। तो एक्स और वाई की सी से जो दूरी है बराबर है, ये आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, एक और चाप लेंगे, इसको हम थोड़ा फैलाएँ, पहले वाले चाप को थोड़ा बड़ा कर दें ताकि दोनों से कटने वाला चाप मिल जाए। इसके लिए आसान तरीका है कि जो रेखा सी जो अब एक्स वाई के मध्य पर है उससे ज़्यादा लंबाई के एक चाप हम बनाएं। ये चाप हमने यहाँ काटा और दूसरा चाप हम यहाँ काटेंगे इस बिंदु से एक्स से। ये देखिए, तो दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ पर काट रहे हैं उस बिंदु को आप सी से मिला दीजिए। ये देखिए, सी से हमने उस कटन बिंदु को मिलाया, कटन बिंदु को मान लीजिए आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मान लीजिए इसे ओ दे दें और इसको आप किरण जेड कह दें। तो जो सी ओ या सी जेड है वो इस रेखा के पर लंब है। अब देखिए क्या किया आपने, सबसे पहले एक रेखा ली, उस पर कोई भी एक बिंदु सी लिया, सी से आपने प्रकार की मदद से दो बराबर दूरियों पर पॉइंट एक्स और वाई लिए। ये बिंदु एक्स है, बिंदु वाई है और सी से इनकी दूरियाँ बराबर हैं। अब एक्स और वाई से आपने क्या किया, एक ऐसा चाप लिया जिसकी लंबाई सी वाई से या सी एक्स से आधे से ज़्यादा हो, और आपने उस चाप को बिंदु वाई को केंद्र मानकर आपने सी के एक रेखा के एक और खींचा और उसी चाप से आपने उसी तरफ पहले वाले चाप को काटने के लिए एक और चाप काटा। तो दोनों चाप जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं उसको आपने सी से मिला दिया। तो ये जो कोण बनेगा वो 90° का होगा और इसका मतलब जो सी ओ होगा वो इस रेखा के पर लंब होगा। ये तो उदाहरण 6 में आपने देखा। अब इसी के साथ उदाहरण 7 आप देख लीजिए यहीं पर। इसमें हमें यहाँ भी हमें लंब की रचना करनी है, लेकिन ये जो लंब है वो उस बिंदु से डाला गया है इस रेखा पर जो उस रेखा से बाहर है। फिर आपने एक रेखा ली, मान लीजिए इस रेखा का नाम आप एल दे दीजिए, और एक बिंदु यहाँ पर है, मान लीजिए ये एक बिंदु है। दोनों में क्या फ़र्क है कि पहली बार आपने जो काम किया वहाँ पर बिंदु रेखा पर मौजूद था और अब की बार वो बिंदु रेखा के बाहर है। मान लीजिए इस बिंदु का नाम ए दे दीजिए आप। अब इसको भी हमें प्रकार से करना है, तो प्रकार से इसे करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रकार की नोक आप यहाँ रखिए और यहाँ से दो बराबर निशान लगाइए जो इस रेखा को दो जगह पर काट रहे हो। ये देखिए, प्रकार की नोक आपने ए पर रखी, इसको फैलाया
और इस तरह से फैलाया कि ये जो चाप है वो रेखा एल को कम से कम दो जगह पर काटे। और निश्चित रूप से अगर इस लंबाई को आप काट रहे हैं यानी इन दोनों बिंदुओं की दूरी ए से बराबर है। अब जो आपने काम किया, अब चाहें तो इस चाप को वैसा ही रखिए जैसा आपने पहले रखा था या थोड़ा सा कम या ज़्यादा करिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि दो चाप जो आप काटेंगे वो दोनों एक दूसरे को काटने चाहिए। आपने रेखा के दूसरी तरफ एक और चाप लिया और फिर उस चाप को बिना कम ज़्यादा किए दूसरे वाले बिंदु से भी एक चाप खींचा जो पहले वाले चाप को किसी बिंदु पर काटता हो। तो अब देखिए आपको बिंदु एक और मिला, मान लीजिए जो कटन बिंदु है उसको आपने नाम दिया बी, इसका भी आप नाम दे दीजिए, सपोज ये सी और डी है। अब आप ए और बी को मिलाइए, अब बाकी हिस्से को आप इस कटी हुई लाइन से प्रदर्शित कर दीजिए। तो ये जो आपको इस बिंदु को भी एक नाम देना होगा हमको, मान लीजिए बिंदु ओ है, तो जो ए ओ है वो इस रेखा एल पर लंब होगा। ये दूसरी चीज़ हुई कि रेखा के बाहर किसी बिंदु से रेखा पर लंब डालना। आपने क्या किया कि फिर से दोहराइए, आपने प्रकार लिया, उसकी नोक को ए पर रखा और एक चाप फैलाकर आपने इस रेखा एल पर दो बराबर दूरियों पर बिंदु सी और डी लिए और फिर सी और डी से भी आपने बराबर बिंदु पर एक पॉइंट बी प्राप्त किया, बी और ए को मिलाया। बी और ए को मिलाने वाली रेखा एल को जहाँ पर काटती है उस बिंदु और ए के बीच जो रेखाखंड है, जो लाइन है, वो एल पर लंब है। तो ये दो रचनाएं हुई जो उदाहरण 6 और 7 में आपके पास थी। आप करिए इसको, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये देखिए आप इसको गौर से देखिए, यहाँ आपने क्या किया याद करिए और यहाँ भी आपने क्या किया याद कीजिए। दो फर्क है, एक तो यहाँ पर बिंदु सी पर वो बिंदु था जहाँ से आपको लंब खड़ा करना था और यहाँ पर रेखा के बाहर बिंदु ए था जहाँ से आपको इस पर लंब डालना था। तो देखिए दो शब्दों में भी फर्क है, दिए हुए बिंदु पर लंब खड़ा करना और दिए हुए बिंदु से रेखा पर लंब डालना। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये दो रचनाएं आपके लिए। करके देखें, पहला 5.8 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी खींचिए और उस पर बिंदु सी इस तरह लीजिए कि ए सी अनुपात सी बी बराबर 3:4। जांचिए कि ए सी अनुपात सी बी बराबर 3:4 है या नहीं। दूसरा, एक रेखाखंड की रचना कीजिए जो किसी रेखाखंड ए बी का 7/5 गुना हो। तीसरा, एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाइए जिसमें क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण पी क्यू आर बराबर 60 अंश हो। इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें ए बी बराबर 2/5 पी क्यू हो। चौथा, एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें बी सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर, कोण ए बी सी बराबर 75 अंश और कोण ए सी बी बराबर 45 अंश हो। इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज एक्स वाई जेड बनाइए जिसमें वाई जेड बराबर 5/4 बी सी हो।